अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 16वें बड़े मुकाबले के हवाले से। नाज़रीन, आज आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें पाकिस्तान सुपर लीग का 16वां बड़ा मुकाबला, जो कि कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के दरमियान अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। नाज़रीन, आज आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11, कराची किंग और मुल्तान सुल्तान की। और आज आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर करते चलें कि हम दोनों टीमों का मैच कब और कितना बजे खेला जाएगा। तमाम तर अपडेट से आपको आगाह करते हैं इस वीडियो में। इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली मरतबा विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से तमाम तर अपडेट्स वक्त पर मिलती रहें। तो नाज़रीन, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर कमेंट करके बताना इन दोनों टीमों में से आप किस टीम को सपोर्ट करें और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, कराची किंग या मुल्तान सुल्तान। तो चलिए नाज़रीन, आपको इस वीडियो में बताते हैं मुल्तान सुल्तान और कराची किंग की प्लेइंग 11 और शेड्यूल बताएंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच कितना बजे कब खेला जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11 को। तो नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पर शेयर करेंगे आपके साथ मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11। पहले नंबर की बात करें तो कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो कि मुल्तान सुल्तान की टीम की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो सोहेब मकसूद मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो रेली रोसो भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चौथे नंबर की बात करें तो शान मासूद भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाँचवें नंबर की बात करें तो सुहेल खान भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। छठे नंबर की बात करें तो हार्ड हिटर बैट्समैन खुशदिल शाह भी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होंगे। सातवें नंबर की बात करें तो इमरान ताहिर भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। आठवें नंबर की बात करें तो ऑलराउंडर उस्मान कादिर भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। नौवें नंबर की बात करें, फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दसवें नंबर की बात करें तो सुहेल तनवीर भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे। ग्यारहवें नंबर की बात करें तो इमरान खान सीनियर भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कराची किंग के स्क्वाड के हवाले से, कराची किंग का स्क्वाड क्या होगा। पहले नंबर की बात करें तो ओपनिंग बल्लेबाज शर्जील खान कराची किंग के स्क्वाड में शामिल होंगे। दूसरे नंबर की बात करें तो बाबर आजम भी कराची किंग के स्क्वाड में शामिल होंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो न्यूजीलैंड के बेहतरीन बल्लेबाज मार्टिन गोप्टेल भी शामिल होंगे। चौथे नंबर की बात करें तो जीशान मलिक भी कराची किंग के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाँचवें नंबर की बात करें तो इमाद वसीम, जो कि कप्तान होंगे टीम के कराची किंग के। छठे नंबर की बात करें तो विकेट कीपर चैडविक वाल्टन भी शामिल होंगे कराची किंग में। सातवें नंबर की बात करें तो थसेरा परेरा, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आठवें नंबर की बात करें तो इरशाद इकबाल भी कराची किंग के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। नौवें नंबर की बात करें तो नजीबुल्ला जैदरान, जो कि अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी हिस्सा होंगे। दसवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद इलियास, जो कि फास्ट बॉलर हैं, ये भी कराची किंग के स्क्वाड के हिस्सा होंगे। ग्यारहवें नंबर की बात करें, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी कराची किंग के स्क्वाड के हिस्सा होंगे। तो नाज़रीन, ये था दोनों टीमों का कन्फर्म स्क्वाड, यानी दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11। नाज़रीन, आपको बताते चलें पाकिस्तान सुपर लीग का यह 16वां बड़ा मुकाबला मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान 10 जून को रात 9 बजे खेला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।